अज की इस वीडियो राही असी 7 जुलाई 2020 श्रेणी 6वीं आदम मनुख बारे पढ़ांगे। जिमें कि असी कल पढ़िया सी कि आदम मनुख मनुख नूं अपनी वर्तमान अवस्था विच आउण लई कई हज़ारां कई लखां साल लगे। पहला मनुख आदम मनुख गुफावां दे विच रहिंदा सी, वो कच्चा मास खांदा सी, भाव उसका जीवन बिल्कुल जानवरां वर्गा सी। ओह कुदरत दीआं वस्तां ते निर्भर करदा सी, जो उसनूं जंगली कंदमूल जड़ियां बूटियां मिल जांदियां सन ओह इक उन्हां नूं खा के अपना गुजारा कर लैंदा सी। फिर असीं कल पढ़िया सी कि आदम मनुख इक थां ते टिक के नहीं रहिंदा सी, कदे ओह इस जगह कदे इस जगह, क्योंकि उसनूं भोजन दी भाल विच इधर उधर जाना पैंदा सी। तां करके जानवरां दा शिकार करन लई आदम मानव पत्थरां अते दरख्तां दीआं टाहणियां दी वरतों करदा सी, भाव उसनूं जो उस समय पत्थर या टाहणियां मिल जांदे सन ओह उन्हां दी वरतों कर लैंदा सी, क्योंकि आदम मनुख नूं इन्ना पुरातन पत्थर युग दे विच इन्ना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं सी। इस युग दा मनुख शिकारी अते खाद संग्रहक सी। शिकारी हुंदा गा किसी चीज़ का शिकार करन वाला मारन वाला, खाद संग्रहक हुंदा गा चीज़ां नूं इकट्ठियां करना तां जो उन्हां नूं खा सके। तुहानूं कोई पुछ ले कि पुरातन पत्थर युग दा मनुख किहो जिहा सी, तां ओह खाद संग्रहक अते शिकारी सी। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਬਸਲੇ, ਭਾਲੇ, ਗੰਡਾਸੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 40-60 ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ 10,000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਲਥਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਆਲਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਲੀਓਲੀਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਲਿਥਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਥਰ। ਲਿਥ ਭਾਵ ਪੱਥਰ, ਪੈਲੀ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈਲੀਲਿਥਿਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਲੀਲਿਥਿਕ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ, ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣਾ, ਲਿਥ ਭਾਵ ਯੁੱਗ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ
अंग्रेजी दे शब्द मैसोलिथ दा अनुवाद है। जो मैसोलिथ है इसनू ग्रीक लैंग्वेज, इसनू यूनान दी भाषा दे विच ये भी दो शब्दों तो बनया है। मैसो भाव मध, लिथ भाव पत्थर, मध पत्थर, पीरियड भाव युग। इस तरह मैसोलिथिक का अर्थ है मध्य पत्थर युग। इसका समा 10,000 ईस्वी पूर्व तो लैके 10,000 बीसी तो लैके 8,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसका समा 10,000 ईस्वी पूर्व तो लैके 8,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। मध्य भाव विचकार दा यह मध्य पत्थर युग पुरातन पत्थर युग अते नवे पत्थर युग दे विचकार दा समा है। पुरातन पत्थर युग तो बाद यह आया। मध्य पत्थर युग विच मनुख दे जीवन विच कुछ उन्नति हुई। इस युग विच मनुख ने कई नवीं चीज़ां सीखियां अते पुरानियां विच सुधार किया। हुण उसने नुकीले अते घड़े हुए पत्थरां दे हथियार, कुहाड़ी, भाले, गंडासे अते बनाने सीखे, क्योंकि जो पुरातन पत्थर युग का मनुख सी उसनों जो मिलता सी उही उसका हथियार बन जाता सी। पर मैसोलिथिक पीरियड विच आ के थोड़े मनुख के दिमाग की उन्नति हुई। ओहो उसके जो पहला हथियार बड़े बड़े हथियार होंदे सन, खुरदरे हथियार होंदे सन, इस विच उसने नुकीले हथियार, नुकीले अते घड़े हुए भाव हथियार नू उसने हुण शेप देनी, हथियार नू उसने शकल देनी शुरू कर दित्ती सी। शकल दो तरह नाल दित्ती जांदी सी, एक तो पत्थर नाल पत्थर मार के जो उसका टोटा बन जाता सी वो उसका हथियार बन जाता सी। दूजा वह एक पत्थर नू थले रख के दूजा पत्थर उत्ते अपने हिसाब नाल जिस हिसाब नाल उसने उसनू आकार देना सी उस तरह वह उत्थे उत्थे पत्थर नू पर थले रख के उदे उपर दूजा पत्थर मारदा सी। इस तरह मनुख का जीवन में थोड़ा विकास होया, भाव उसके हथियार नुकीले अते घड़े हुए। जेकर तुहानू क्वेश्चन आ जाए कि नुकीले अते घड़े हुए हथियार किहड़े युग विच सन, तां मध्य पत्थर विच, मध्य पत्थर युग नू मैसोलिथिक, अते जो इसके हथियार सी वह छोटे हो गए सन आकार दे विच तां उन्हां नू माइक्रोलिथ। जेकर तुहानू क्वेश्चन ये भी आ जाए कि माइक्रोलिथ हथियार किहड़े युग विच होए सन, जां माइक्रोलिथ किस युग नू कहा जांदा, तां उह कहा जांदा मैसोलिथिक नू। मैसोलिथिक नू दे जो हथियार सी उह माइक्रोलिथ सन। इह दोनां दे विचकार दा पुरातन पत्थर युग अते नवें पत्थर युग दे विचकार दा समां है। अगे इस दे क्वेश्चन आ गए। मनुख दी इस कहानी दे इस युग नू वख-वख भाषा विच की कहा जांदा है? मनुख दे इस युग नू पुरातन पत्थर युग, इस नू अंग्रेजी विच पैलियोलिथिक पीरियड अते यूनानी भाषा विच इसका अर्थ पुराना पत्थर है। मध्य पत्थर बारे तुसी की जानते हो? नंबर 6, मध्य पत्थर युग मनुख दे जीवन पत्थर विच कुछ उन्नति हुई। इस युग विच मनुख ने कई नवीं चीज़ां सीखियां अते पुरानियां विच सुधार किया तुहानू दस्या गया कि मैसोलिथिक भी ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मध्य, मैसो अते लिथ। मैसो भाव मध्य, लिथ भाव पत्थर, मध्य पत्थर युग। पुरातन पत्थर युग बारे तुसी की जानते हो? पुरातन पत्थर युग असी उपर पढ़िया सी। पुरातन पत्थर युग का मनुख शिकारी अते खाद संग्रहक के नाम नाल जाने जाता है। मनुख जंगलां विच रहिंदा सी। ये असी कल भी पढ़िया सी पुरातन पत्थर युग बारे। पुरातन पत्थर युग नंबर 4 ते पुरातन पत्थर युग नू अंग्रेजी विच पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। यूनानी भाषा विच इसका अर्थ पुराना पत्थर है। इस तो अगे खाली थावां आ गईयां। मध्य पत्थर युग नू मैसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। पुरातन पत्थर युग दे मनुख नू पुरातन पत्थर युग दे मनुख नू शिकारी अते
खाद संग्रह के नाल जाने जाता है। पुरातन पत्थर युग में अंग्रेजी विच पहली आलथिक कहा जाता है। सही या गलत, यूनानी भाषा विच पुरातन पत्थर युग में पुराना पत्थर कहते हैं, बिल्कुल सही है। इस युग का मनुख शिकारी सी, यह भी सही है। पुरातन पत्थर युग तो बाद मध्य पत्थर युग आया, यह भी बिल्कुल सही है। इस तरह असी अज श्रेणी छेवीं आदि मनुख पुरातन अते मध्य पत्थर काल बारे पढ़िया है। उसके क्वेश्चन आंसर अंग्रेजी अते पंजाबी दोहों ही माध्यमों विच किते हुए हन, ताजो विद्यार्थी अपना अपना काम कर सकन। धन्यवाद।